हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम मनाने की परंपरा बरसों से चली आई है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि रहती है। इस बार अप्रैल माह में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसके अंदर सच्चे मन से माता की पूजा व आराधना करी जाए तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और जातक की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वस्तु है जिनको घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वह चेत नवरात्रि में कौन सी वस्तु घर में लाना चाहिए, आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भविष्य लक्ष्मी पापात्मा कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा स्थितां कुलजनः प्रवश्च लज्जा त्वां ताम नतः स्मः परिपालय देवी विश्वम्मा। भगवती पराम्बा के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। क्षेत्रीय नवरात्रा वर्ष का प्रारंभ होना होता है। बड़ी उत्सुकता उमंग और क्षेत्रीय नवरात्रा का किसी भी शुभ कार्य के लिए या कोई शुभ खरीदी के लिए लोग इंतजार करते हैं और उत्सुकता में बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नवरात्रा में हर वस्तु खरीदना शुभ नहीं मानी जाती। इसमें चावल की खरीदी ना करना चाहिए, चावल की खरीदी से बचना चाहिए। इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं, टीवी, फ्रीज और भी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, वह खरीदने से भी बचना चाहिए। इसी प्रकार से कपड़ों में काले कपड़े खरीदने से बचना चाहिए, लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। काले कपड़े खरीदने से व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, उन्नति में बाधा आती है। इसी प्रकार से लोहा खरीदने से ग्रह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। चावल खरीदने से जो वो सुकृत करता है नवरात्रे में, पुण्य करता है, उसको वो पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि वो खरीदता है तो चैत्र मास के नवरात्रे में ऊर्जा इतनी होती है और ऊर्जा वाला ही जैसे हम कोई वस्तु सामग्री खरीद लेते हैं तो वह इस कारण से बाधित होती है, उसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, बार बार खराब होने वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए नवरात्रे के बाद में एकादशी से लेकर तो पूर्णिमा तक ये जितने भी सामान आपको खरीदना है तो खरीदिए, और लेकिन नवरात्रे में यह सारी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। जय श्री कृष्ण।